हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 का क्वेश्चन पेपर क्लास 8 इंग्लिश का। और यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। इसके सभी क्वेश्चनों को मैं कराने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द वूमेन रिप्लाइड। करेक्ट आंसर चूज करना है रिप्लाइड बोल्डली। हेयर रिप्लाइज मीन्स, रिप्लाइज का मतलब क्या है यहाँ पे? तो रिप्लाइज का मतलब होता है जवाब देना। तो यहाँ पे आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डू यू नो मोहित, क्या तुम मोहित को जानते हो जो कक्षा 8 में पढ़ता है? और जो का मतलब होता है हूँ, जो का मतलब इंग्लिश में हु होता है। तो हु ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। कौन कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं करता है? तो इंजन नहीं करता है और बाकी सब करते हैं। आई केप्ट माई बुक, अब किताब को कहाँ पे रखते हैं? टेबल के ऊपर। तो इसका ऑन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज डिफरेंट साउंड, किसका साउंड अलग है? तो स्नेक में ए बोल रहा है, टेबल में भी ए बोल रहा है, मेक में भी ए बोल रहा है, लेकिन हार्ड में क्या बोल रहा है? आ बोल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू खाली जगह वेंट टू द फार्म एवरीथिंग एवरी मॉर्निंग। एवरी जहाँ पे भी आता है वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। तो क्या हो जाएगा? गोज, रामू गोज टू फार्म एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है होत्तू द आउल, होत्तू द आउल खाली जगह। एट दिस आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट का वाक्य है। तो बिल नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, सरप्राइज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? आउल इज सरप्राइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक न्यू वर्ड, फुल को जोड़ते हुए न्यू वर्ड बनाना है। तो क्या हो जाएगा? काइंड में फुल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? काइंड फुल। क्या हो जाएगा? काइंड फुल हो जाएगा। ऐसे ही वंडरफुल हो जाएगा, वंडरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो काओ का बहुवचन क्या होता है? एस लग जाएगा, काओज। नेक्स्ट है एनिमी, एनिमी का बहुवचन क्या हो जाएगा? बाई को हटा के क्या हो जाएगा? आई ई एस लग जाएगा, एनिमीज हो जाएगा, शत्रु। नेक्स्ट है लेटर बताना है जो मिसिंग है। तो ये पेरेंट्स होता है, पी ए आर ई एन टी एस, पेरेंट्स की स्पेलिंग है। और नीचे क्या है? एजुकेशन की, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन, ये एजुकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड इनकरेक्ट, कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है ये बताना है और कौन सा सही है। द भिक्षु वॉज साइलेंट फॉर ए लैंग टाइम। तो देखिए, लैंग टाइम नहीं होता है, क्या होता है? लॉन्ग टाइम होता है। तो लैंग यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है वाई शुड खाली जगह आया है। तो अब हमें देखिए, बी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अब सो दैट हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम क्या है, कीप अदर सेल सेफ, ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। नेक्स्ट है यूज पंचुएशन, यूज करना है इसमें क्वेश्चन मार्क कैपिटल लेटर क्या आएगा, कौन सा कैपिटल होना चाहिए कौन सा। अब देखिए, कंप्यूटर की बात की गई है तो कंप्यूटर को कैपिटल होना चाहिए। हाउ डज ए कंप्यूटर गैदर इन्फॉर्मेशन, और ये क्वेश्चन मार्क वाला है तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह आएगा इसमें, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द टीचर, टीचर सैड, अब देखिए द टीचर सैड के बाद कॉमा लगेगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट वाला वाक्य है। और डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द टीचर, नेक्स्ट ये हो गया। अरेंज द वर्ड, अरेंज करना है, रीअरेंज करना है इनको। तो सबसे पहले करता आएगा आई, अब आई के बाद आएगा आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस, आई लाइक ट्रेवलिंग बाय बस हो जाएगा, आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस। ऐसे ही आई हैव, आई आएगा फिर आएगा हैव, तो आई हैव लॉस्ट माई बुक, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब खो दी। नेक्स्ट है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को जोड़ना है इधर और से। तो इट इज़ रेनिंग प्लीज, इट इज़ रेनिंग प्लीज इधर, इधर गिव मी एन अम्ब्रेला, फिर और आ जाएगा और गिव मी एन रेनकोट। तो क्या हो जाएगा? प्लीज के बाद इधर जुड़ जाएगा और गिव मी एन अम्ब्रेला, फिर और जुड़ेगा, फिर यू को हटा देंगे और गिव मी ए रेनकोट। नेक्स्ट है खाली जगह, डू नॉट ओवरटेक एनी व्हीकल्स, डू नॉट ओवरटेक, हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए? राइट साइड से, राइट साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नॉट स्टैंड ऑन द मिडल ऑफ द रोड, बीच में नहीं खड़ा होना चाहिए, तो मिडल आ जाएगा इसमें।
नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, ये पैराग्राफ दिया हुआ है पैसेज, इसमें से क्वेश्चन बताना है वेयर डिड संगीता लिव, तो संगीता कहाँ रहती थी, विलेज, विलेज में जो कि दबीच में था। वाई डिड हर क्लासमेट नेगलेक्ट हर, उसे नेगलेक्ट क्यों करते थे, तो बिकॉज सी हैड लॉस्ट हर वन लेग, क्योंकि उसने एक टांग को क्या है गवा दिया था, एक टांग की थी वो। वाई डिड सी अवॉइड पीपल, और वह अवॉइड क्यों करती थी, क्योंकि सी ऑलवेज फेल्ट दैट एवरी वन वॉज लुकिंग एट हर लेग, क्योंकि वह उसे लगता था कि हर कोई उसकी एक पैर को ही देख रहा है। राइट द अपोजिट बताना है, लव का होता है हेट, ऐसे ही कॉन्शियस का होता है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश और कॉन्शियस मतलब होश। नेक्स्ट है ऐसे ही दूसरा पैसेज है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन बताने हैं, वे व्हाट डिड रोवर्स डिसाइड, क्या किया डिसाइड, हाउ मैनी रोवर्स, तो कितने रोवर्स चूज किए स्टॉलन ब्लैंकेट। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट, ये भी पैसेज है, इसके बाद ये पैसेज है, इसके क्वेश्चन करने हैं। देखिए इसको बता देता हूँ मैं, ए पर्सन हु कट्स वुड, तो वह व्यक्ति जो वुड लकड़ी काटता है उसको क्या कहते हैं, वुड कटर, क्या हो जाएगा ये, वुड कटर। नेक्स्ट पैसेज विच मीन, स्मॉल का अपोजिट बताना है, तो क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा, पैसेज में ही मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए रीअरेंज करना है, सबसे पहले क्या कौन सी घटना घटी थी, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे आपको करना है स्टोरी से। इमेजिन ये वो है आपकी लेटर है, आप रुचि हैं और डूंगरपुर में रहती हैं, तो आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, नॉट गुड, अच्छी है, लोकलिटी की अच्छी नहीं है, तो आपको क्या है, और कचड़ा पड़ा रहता है, हर कोई ऐसे इधर उधर फेंक देता है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखना है और ये सारी बात बतानी है, तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, या फिर अथवा में आप या क्या कर सकते हैं, एक लेटर दूसरा लिख सकते हैं, किस पर है ये, टेलिंग अबाउट स्टडीज, आपकी स्टडीज कैसी चल रही है, आपके फादर को बताना है। नेक्स्ट है लास्ट मंथ ए पिकनिक टूर पे आपको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है, ये आउटलाइंस दी हुई हैं इनकी मदद से, या फिर अथवा में एक स्टोरी लिख सकते हैं एलिफेंट वाली, तो हाथी और ट्रेलर वाली एलिफेंट दो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं, थैंक यू।